दिस इज न्यू राइट? यस, आज ही पहला दिन है। इट्स नाइस ना? मे बी मेबी इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। मेन्यू प्लीज। या श्योर, वन सेकंड। ये ऑर्डर करेंगे ना बेबी? मतलब ये ऑर्डर करेंगे ना वनराज के बापूजी? Here's the menu. Oh, thank you. I'll have a cottage cheese keto burger, please. Baby, menu में तो ये सब नहीं है। We have a regular cottage cheese burger. Oh, then let's go, baby. अरे नहीं 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 है तो क्या हुआ? बन जाएगा ना? दो मिनट दीजिए, बन जाएगा ना? हाँ बस बन जाएगा, दो मिनट। क्या हुआ? ये कीटू बर्गर कैसे बनता है? नहीं आता। कितना टाइम लगेगा? बस बस बस, दो मिनट दो मिनट दो मिनट दीजिए प्लीज। शेफ, आपको भी नहीं आता क्या? अगर आपके शेफ को इतना भी नहीं आता, then what is the point? Come on baby, let's go. चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, अब जरा बैठिए ना, बन जाएगा, दो मिनट। टेक अ सीट प्लीज। Let's leave, baby. Okay, baby, यहाँ से चलते हैं यार। रुकिए, रुकिए। बस अभी पांच मिनट में बन जाएगा। आप लोग बैठिए ना, प्लीज। बैठिए। अरे तुम सुनो, तुम्हें आता है कीटो? ढोकला नहीं बनाना है, कीटो बर्गर बनाना है। वो स्वीटी की बर्थडे पार्टी में उसकी एक दो सहेलियों के लिए बनाया था कीटो। वैसे सॉरी, ये एरिया आप लोगों का है, पर बात फैमिली की है ना, और जिस कैफे का नाम मेरी बा के नाम पे है, वहां से मैं किसी को भी नाराज होके जाने नहीं दे सकती। है गुलदस्ते में फूल बहुत है, जय श्री कृष्णा करने वाली ये मैडम तो कूल बहुत है, कूल बहुत है। बर्गर बर्गर लालो बर्गर, बर्गर बर्गर लालो बर्गर। क्या योर कॉटेज चीज कीटो बर्गर? व्हाट इज दिस? थेपले और ढोकले ही बनाया करो अनुपमा, ये कीटो वीटो तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या हुआ बेबी? दिस इज हेवन। क्या कहा उसने? तारीफ कर रही है। हाँ, this is the best and the tastiest keto burger I have ever had. I mean, ek burger itna tasty aur healthy kaise ho sakta hai?
one more please and 6 takeaways too. Yeah, sure. Saath banao to saath. Your parcel. Thank you. मैं अपने सब फ्रेंड से कहूंगी टू विजिट दिस प्लेस एंड मिस शेफ यू रॉक. बाय. सुपर मम्मी. अनुपमा, इस कैफे की पहली और असली कमाई तुम्हारी वजह से हुई. थैंक यू. ठाकुर जी, बस ऐसी कृपा बनी रहे और वनराज और अनुपमा का गल्ला कभी खाली ना रहे. दीदी, तुम्हारी बात सुनकर मेरा भी गल्ला भर आया. मतलब मेरा भी गला भर आया. गला देखा उस लड़की ने कैसे कहा, मिस शेफ यू रॉक. हो गया. अब कैफे बंद करने का टाइम हो गया है. इससे पहले कि फर्स्ट डे फाइन लग जाए, ये सब बंद करो और अब चलो प्लीज. काव्या बेटा, पता नहीं जीप पे कब सरस्वती बैठ जाए, इसलिए दुकान बंद करना नहीं कहते बेटा, दुकान बढ़ाना कहते हैं. याद रहेगा ना बेटा, मैंने क्या याद रखने के लिए कहा था. अरे इतना सारा खाना बचा, उसका क्या होगा. बहुत दिनों से हमने बाहर होटल में खाना नहीं खाया, तो क्यों ना आज लीला के कैफे में खाना खाया जाए. पेमेंट आप करोगे. थैंक यू सर, आप जा सकते हैं. थैंक यू सर. अरे खाना तो एकदम मस्त था, मेरा तो पेट भर गया. कल सुबह जरा जल्दी आएंगे. हाँ, कल गल्ले के पास लक्ष्मी जी की स्थापना करनी है. हाँ दीदी. भाभी, आपने सारे ग्रुप में मैसेज कर दिया कैफे में आने के लिए. हाँ, कब के. परफेक्ट. सब चेक कर लिया. हाँ सब चेक कर दिया. अच्छा चलिए. मेरी ना आज 1300 रुपए की कमाई हुई है. हाँ? तुम्हारी कितनी हुई. छोड़िए ना. अरे क्या मैं कोई चोरी कर लूंगा क्या. वो 6500. अब तो चोरी करनी पड़ेगी. मुझसे दोस्ती करोगी. वैसे तो हर रिश्ते में दोस्ती की बहुत जगह होती है, पर मैंने अपने रिश्ते में इतना कुछ छुपा रखा था कि दोस्ती की जगह ही नहीं थी. पर अब रिश्ता नहीं है और ना ही कोई बैगेज है, तो अब दोस्ती होने लगी है. और जब हो रही है तो होने देते हैं. इसीलिए ऑफिशियली पूछ रहा हूं, मुझसे दोस्ती करोगे. पति जैसा भी था लेकिन दोस्त अच्छा बनूंगा. दोस्त, साल के बाद.